बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कुक विद शावी। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान के लिए एक फ्राई आइटम की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन स्पेगेटी बॉक्स पैटीज। तो बहुत ही मज़े के बनते हैं, चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। देन इसमें हम 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे, उसे फ्राई कर लेंगे। देन हम इसमें 1 बड़ी साइज़ की हम प्याज ऐड करेंगे चॉप्ड, और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट्स। देन इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 kg बोनलेस चिकन के पीसेस, बट छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए हुए, लंबाई में नहीं, क्यूब्स में, ठीक है। और इसे हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक अपना कलर चेंज ना कर दे। देन इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट, और इसे भी फ्राई कर लेंगे। फिर हम सॉसेस ऐड करेंगे, यानी कि इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिल्ली सॉस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ही रेड हॉट सॉस, बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट आता है सॉसेस से। देन इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, और बस मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और स्प्रिंग ऑनियन यानी कि जो हरी प्याज होती है उसका वाइट पार्ट, और मिक्स कर लेंगे। गाइस, स्पैगेटी इसे हम बॉईल कर लेंगे, और बॉईल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इससे कोई अलग इसका टेस्ट आता है, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। देन इसमें हम ऐड करेंगे स्प्रिंग ऑनियन, बट इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन पार्ट इसका लास्ट में, और बस मिक्स करेंगे, ठंडा कर देंगे। ये देखें, चलें बनाते हैं बॉक्स पैटीज। देखें गाइज, ये मैंने बॉक्स पैटीज के लिए पट्टियाँ ले ली हैं, इसकी मांडा पट्टियाँ। देन इसमें हम फिलिंग जो है वो इसकी स्टफिंग वो ऐड करेंगे सेंटर में, और बस फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखें, मैंने आटे के मिक्सचर बना लिया है, और इसे हम सील करके और बिल्कुल फोल्ड कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से मैं तमाम बॉक्स पैटीज रेडी कर लूँगी। ये देखें, मैंने रेडी कर लिए। अब हम इसे फ्राई करने से पहले एक चीज़ करेंगे, वो ये है, देखें इसे हम सबसे पहले एग वॉश में डिप करेंगे, इससे बहुत अच्छा इसका जो टेक्सचर रहता है बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के लगते हैं। देन इसमें हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे इसको अच्छी तरीके से, बिल्कुल आपको कोट करना है। और ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया है, बस अब इसको हम डायरेक्ट से ऑयल में ऐड करते हैं, ये देखें, और इसे हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। ये देखें गाइस, कितने मज़े के लग रहे हैं, आप देखें, बस इसे हम सर्व करते हैं। तो गाइस देखें, बहुत गर्मा गर्म हमारे बॉक्स पैटीज रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में जो मेरा चैनल है कुक विद शावी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपको देखने को मिले। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।